गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड जजेस एंड ऑल आवर टीचर एंड कॉम्पिटिटर. माई सेल्फ सिद्धिका नौटियाल, आई एम हियर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू टू गिव माई पॉइंट्स ऑन द टॉपिक व्हाट शुड वी नीड टू डू फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. सो वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट इज एम्पावरिंग वुमेन टू टेक देयर ओन डिसीजन फॉर देयर पर्सनल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट, एनकरेजिंग दैम फॉर देयर encouraging them to be financially independent or generating confidence within themselves so that they can face any kind of difficulties in their future. Also to active participation in socio-political development in our surroundings. So you know what women empowerment is myth until and unless women are aware of their rights and start exerting those rights. हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए, कई लॉज बनाए, फॉर एग्जांपल द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. लेकिन आपको पता है आज के टाइम पे भी, इवन टुडे, एवरी ईयर 8,000 वुमेन डाई ड्यू टू दिस डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के कारण. हर साल 8,000 से ज़्यादा महिलाएं सिर्फ इस कारण. और इंडिया में ऐसी कई कई बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, सेक्शुअल हरेसमेंट, जो वुमेन काम करती हैं भले उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट स्टिल दे आर फेसिंग ऑल दिस सेक्सुअल हरेसमेंट. मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमारे लॉज तो बहुत बनाए हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इतने मतलब इतने फोर्सफुल इम्प्लीमेंट नहीं किया है. सो वट द थिंग वी शुड डू फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इज, सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन. आपको पता है हमारे देश का सबसे लिटरेट कंट्री स्टेट है केरला, लेकिन आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रिकॉर्ड भी केरला में पाए गए. क्यों? क्योंकि वहाँ सब बहुत अवेयर हैं, सब बहुत एजुकेटेड हैं और कुछ भी उनके साथ होता है, किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ, वो जाके रिपोर्ट करते हैं. और ऑन द अदर हैंड इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन की 2017 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% जो इंडियन वुमेंस है वो अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के वायलेंस से घबराती है और वो उसके अगेंस्ट उसकी कंप्लेंट नहीं करती, इससे डरती हैं वो. तो यू कैन सी द डिफरेंस कि हाउ देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस. सो फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू एजुकेट गर्ल्स, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज वेयर द गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट इन देयर प्रायोरिटी और यू कैन से देयर फर्स्ट प्रेफरेंस. तो सेकेंडली, place women as a leader and give them the decision making roles. अगर women के पास ये power होगी कि उनको equally opportunity हर जगह दी जाए कि वो decision ले सके, तो वो उनको पता है कि women किस किस चीज़ों से go through होती है, क्या क्या उनको suffer करना पड़ता है. तो और secondly, as a citizen of our and youth citizen of our country, हमारी ये responsibility होती है कि हमें पता है कि क्या differences हैं women को, क्या क्या सिखाना चाहिए. तो हमें भी अपने आसपास जो भी लड़कियां हैं हमसे छोटी, हमें देखना चाहिए जागरूक, एज अ जागरूक सिटीज़न, कि हमें अपने से छोटी लड़कियों को समझाना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है. और आसपास जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, किसी भी, भले ही आपसे बड़े हो, कोई शादीशुदा हो या कोई, तो आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न यू शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. थैंक यू.